जोजो किड्स। जादुई तालाब। संगपुर गांव में दो लड़के मगन और गगन रहा करते थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, मगर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अरे ओ गगन, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? क्या बात है, क्या चाहिए? दोस्त, तुम नाराज क्यों होते हो? ये रास्ता मेरे घर की तरफ भी जाता है। आया बड़ा। मगन हमेशा ही गगन से नाराज रहता। अगले दिन, आज जल्दी चल पड़ता हूँ, नहीं तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। गगन अपने घर की तरफ चलता है। उनके घर के रास्ते की तरफ एक तालाब था। अचानक तालाब के पास बड़े से पेड़ से आवाज आने लगती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, सामने के तालाब से थोड़ा पानी ला दोगे? अभी लाता हूँ। गगन पानी लाकर पेड़ पर डाल देता है। और कुछ करूँ क्या आपके लिए? हाँ बेटा, देखो ना, मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ, मेरी थोड़ी कटाई छटाई ही कर दो। गगन ऐसा ही करता है। कुछ लकड़ियाँ अपने साथ घर ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगी। सुंदर सुंदर पत्ते और लकड़ियाँ गगन अपने घर ले जाता है। जब वो अपने बस्ते से उन लकड़ियों को निकालता है तो पाता है कि सभी लकड़ियाँ सोने की हो चुकी हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? वह ये सब देखकर बहुत हैरान था। अगले दिन यही बात सब जगह फैल जाती है। अरे ओ गगन, कौन से पेड़ से इतनी लकड़ियाँ मिली? ये तालाब वाले पेड़ से। आज मैं भी लेकर रहूंगा। मगन छुट्टी के बाद उसी पेड़ को काटना शुरू करता है, उसकी चटाई करता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। बताइए, कोई बात है? बताइए ना, आपने तो गगन से कल बहुत बातें करी है, मुझे गगन ने सब बता दिया है। लेकिन पेड़ मगन से कोई बात नहीं करता। पेड़ की छटाई तो पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए अब किसी बात का कोई फायदा नहीं था। कुछ लकड़ियाँ लेकर जब मगन अपने घर पहुँचा तो पाया कि लकड़ियाँ जलकर राख हो चुकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे सोने की लकड़ियाँ और ये जली हुई लकड़ियाँ मेरे लिए? अरे ओ गगन, चल मेरे साथ पेड़ के पास, अभी बात करता हूँ। तू झूठ बोल रहा था। नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, आप ही बताइए ना, क्या मैंने कुछ झूठ कहा? किसी से मैंने कुछ गलत कहा? नहीं गगन, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हें सोने की लकड़ियाँ मिली। लेकिन मगन, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, इसीलिए तुम्हारी लकड़ियाँ जल गईं। और ये देखो गगन कितना खुश रहता है, इसीलिए इसकी लकड़ियाँ सुनहरी रही। जादुई छाता। मयूर नाम का एक 10 साल का लड़का बहुत भोला और दयालु था। उसकी कक्षा के बच्चे उसके भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे। किसी भी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता तो वो मयूर से ही मांगता। मयूर सबकी मदद किया करता। एक दिन मयूर खाने में खीर लाया। खीर की खुशबू दूसरे बच्चों तक पहुंची। वाह मयूर, आज तो तेरे टिफिन से खीर की खुशबू आ रही है। हाँ, आज मैं खीर लाया हूँ, खाओगे क्या? हाँ हाँ खाऊंगा, लाओ लाओ। इस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर मयूर की सारी खीर खा ली। एक दिन मयूर ने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की परेशान है। मालती, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? मेरा टिफिन किसी ने निकाल लिया है, मैं अब क्या खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास एक सेब है, तुम वो खा लो। मयूर ने मालती को सेब दे दिया। मालती ने उसे खुशी खुशी खा लिया। छुट्टी का दिन था, सभी बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी, सब बच्चे अपने अपने घरों की ओर भागे, मयूर भी भागा। तभी मयूर को एक परी मिली। मयूर, ये लो, इस छाते के नीचे आ जाओ।
ये तुम्हें फीकने नहीं देगा। पर मैं आपसे छाता कैसे ले सकता हूँ? अगर आप मुझे अपना छाता दोगी तो आप भीग जाओगी। मैं नहीं भीगूंगी, मेरे पास बहुत से छाते हैं। तुम ये छाता ले लो, मैं ये तुम्हारी अच्छाई और भलाई की आदत की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। यह छाता जादुई है, इसको तुम जो भी कहोगे ये वही करेगा। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। मयूर घर की ओर चल पड़ा, छाता भी उसके ऊपर उड़ने लगा। जब मयूर घर पहुंचा तो छाता अपने आप बंद हो गया और मयूर के हाथ में आ गया। इतने सुहाने मौसम में तो समोसे खाने का मन कर रहा है। समोसे खाने हैं, ये लो समोसे। छाते के ऐसा कहते ही समोसे के पैकेट मयूर के हाथ में आ गए। ये बात राहुल ने देख ली। ये मयूर का छाता अपने आप बंद हो गया और उसके हाथ में आ गया, समोसे भी दे दिए। ये तो बड़ी अजीब बात है, लगता है कि ये जादुई छाता है। अरे इस बुद्धू को जादुई छाते की क्या जरूरत, ये तो मेरे काम की चीज है। शाम को सबकी नजर बचाकर राहुल मयूर के घर वो छाता चुरा लाया और उसे खेलने लगा। इतने में मयूर ने देखा, अरे ये तो मेरा छाता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे मालती का टिफिन मेरे पास आ गया। राहुल तुमने चोरी की। ये छाता जादुई है ना, मुझे बताओ कि ये कैसे खुलता है। जैसे ही राहुल ने छाता आगे किया तब छाते में से आवाज आई। हाँ मैं जादुई छाता हूँ, पर मैं केवल मयूर का छाता हूँ और उसी की बात मानूंगा। तुम भागो यहाँ से, वरना मुझे पिटाई करनी भी आती है। इतना कहकर छाता उड़कर मयूर के हाथ में आ गया। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। आइसक्रीम वाला गोपी एक स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचकर गुजारा करता था। ले लो। बच्चों के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह कभी स्कूल नहीं जा सका था गरीबी के कारण, इसीलिए छोटी उम्र से ही काम कर रहा था। इसीलिए उसे बच्चों को आइसक्रीम खिलाना, उन्हें स्कूल आते जाते देखना बहुत पसंद था। बच्चों को भी गोपी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मिंटू ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पैसे दो, मुझे आइसक्रीम खरीदनी है। हमारे स्कूल के बाहर बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलती है। बेटा मिंटू, हर रोज तुम यह कहकर पैसे ले जाते हो, आजकल तुम्हारा गला ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हें पैसे देने वाली नहीं। मिंटू बहुत उदास हो जाता है। वह स्कूल तो जाता है लेकिन छुट्टी होने पर उसका दिल घर जाने को नहीं करता। सभी बच्चे आइसक्रीम लेते हैं लेकिन मिंटू वहीं खड़ा उन्हें देखता रहता है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं सिवाय मिंटू के। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। कुछ ही देर में आइसक्रीम भी खत्म हो जाती है। आइसक्रीम वाला गोपी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मिंटू उसका धीरे धीरे पीछा करता है। गोपी अपने घर पहुंचता है और जाकर खाना खाने लगता है। मिंटू वहीं जाकर दरवाजे पर बैठ जाता है और आवाज लगाता है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो। अरे तुम यहाँ कैसे आए? गोपी उसे खाना खिलाता है और आइसक्रीम भी देता है। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरी माँ ने आज मुझे आइसक्रीम लेने के लिए पैसे ही नहीं दिए, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम गलत कह रहे हो। वहाँ मिंटू की माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? वह इधर उधर अपने बेटे को आवाज लगा कर ढूंढने लगी। मिंटू, मिंटू, आपने मेरे बच्चे को देखा? उसने स्कूल का बस्ता लिया हुआ है, बहुत छोटा सा है। मिंटू की माँ हर आने जाने वाले से मिंटू का ब्यौरा देती और उनसे पूछती कि शायद उन्होंने मिंटू को देखा हो। आखिर में जब वह आवाज लगा रही थी तो मिंटू और गोपी ने सुन लिया। अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है, माँ माँ। मिंटू जाकर अपनी माँ के गले लग गया। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? बहन जी
माफ कीजिएगा, ये आपका बच्चा आज आपसे नाराज हो गया था। बेटा मिंटू, मुझसे वादा करो, आज के बाद अपनी माँ को बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। मिंटू को अपनी गलती का एहसास हो चला था। मैं तो एक दिन भी माँ के बिना नहीं रह पाया। और इस तरह माँ बेटा अपने घर चले गए और गोपी फिर से आइसक्रीम बेचने निकल पड़ा। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।